ठीक है, कौन जीत रहा है? अमेठी स्मिता नहीं जीतेंगे, केएल शर्मा। केएल शर्मा नहीं जीतेंगे, उनको यहाँ कोई जानता ही नहीं है, जानता ही नहीं है, 40 सालों से वो यहाँ पे रहे। नहीं, 40 साल से रहे होंगे, कहीं और रहे होंगे, लेकिन हमने तो नहीं सुना अभी। अगर हम विकास की बात करें तो विकास हुआ है कि नहीं 5 सालों में? विकास हुआ है, आप यही रोड देख लीजिए, ये एक समय गड्ढा होता था यहाँ पे, यही रोड आप देख लीजिए, अयोध्या जाने के लिए पहले 2-3 घंटे लग जाते थे, तो रोडें बनी हैं और भी विकास हुआ है। कि इन्होंने तो लग रहा था कि अमेठी हारेंगे तो रायबली चले गए, और ये रायबली में भी हारेंगे ना। ये स्मृति ईरानी की देव सरकार में जा रहे 6,000 रुपये साल रुपये से 6,000 रुपये मिल रहा है, राशन मिलत है और सब साधन भी है। लेकिन राहुल गांधी तो कहते हैं वो गरीबों की मदद करते हैं। गरीबों की मदद कर, हमें बिटिया ब्याह में कोई पैसा दी ही नहीं, अब तक कागज मनवाया डावा ये को पैसा बड़े कहेंगे जैसे धमका दिया है स्मृति ईरानी को। राहुल गांधी क्यों नहीं, वो सब तो चोर। यहाँ से तो केएल शर्मा है, कोई जानता नहीं केएल शर्मा को, पता नहीं कहाँ से हैं, जानते भी नहीं आप, वो 40 सालों से यहाँ पे बोलते हैं, रहते हैं यहाँ पे, कोई केएल शर्मा को जानता ही नहीं, इसमें तेरा नहीं गिरा, पता नहीं कहाँ के हैं, न कोई नहीं जानता। लेकिन कांग्रेस पार्टी तो युवाओं की बात कर रही है, बेरोजगारी की बात कर रही है, वो अपने लिए कर रही है ना, हमारे लिए थोड़ा कर रही है, अपने लिए मतलब उनको अमेठी में दिखते ही नहीं, वो जब देखो व्हाइट नाइट भाग रहे हैं, व्हाइट नाइट से राव रैली भाग रहे हैं हमारा पशु की तरह। स्मृति ईरानी, केएल शर्मा नहीं, कोई नहीं जानता यहाँ उन्हें। राहुल गांधी नौजवानों की बात करते हैं, रोजगारी की बात करते हैं, आप भी युवा हैं, तो आपको नहीं लगता कि उनका कहना सही है? नहीं, कोई सही नहीं, यहाँ कोई नहीं जानता उन्हें, रोजगार तो दिए नहीं, कभी आए ही नहीं, तो क्या देंगे, कुछ नहीं देंगे। हाँ, लेकिन वो तो परिवार कहते हैं अमेठी को, आप कह रहे हैं वो आते ही नहीं है। भाई कभी नहीं है इनका घर, मैं इतना बड़ा हो गया मैंने कभी नहीं देखा यहाँ, न इनका घर द्वार कुछ नहीं, वो कहने के लिए हुआ है सब। स्मृति ईरानी, केएल शर्मा क्यों नहीं? केएल शर्मा रायबरेली से एक बार भगा चुके हैं, यहाँ से भी भगाए जाएंगे। क्या नाम है आप? नीरज दुबे। क्या लग रहा है अमेठी से कौन जीत रहा है? स्मृति ईरानी। केएल शर्मा क्यों नहीं? केएल शर्मा रायबरेली से एक बार भगा चुके हैं, यहाँ से भी भगाए जाएंगे। लेकिन राहुल गांधी अभी चले गए रायबरेली, राहुल गांधी रायबरेली जा चुके हैं, रायबरेली से वो हार रहे हैं, नहीं जीतेंगे। लेकिन प्रियंका गांधी उनकी बहन बड़ा प्रचार कर रही है, कुछ भी करें वो मैम। अच्छा, अगर हम विकास की बात करें तो विकास किसके कार्यकाल में ज्यादा हुआ है, स्मृति ईरानी या राहुल गांधी के 15 सालों में? स्मृति ईरानी के। विकास हुआ बढ़िया जी हाँ। अगर जो योजनाएं होती हैं सरकारी योजनाएं उसकी बात करें तो मिला है कि नहीं आप लोगों को? जी मिला है, मिला है? जी पहले नहीं मिल रहा था राहुल गांधी के शासन, नहीं मिल रहा था, सब रोडें खराब थी, पूरी ब्लॉक की पूरी रोडें खराब थी, और इनकी सरकार आने के बाद टोटल रोडें जो है आज चेक कर ली जाए, कोई भी रोड ऐसी नहीं है जो ना बनी हो। बिजली की समस्या जो हुई अब वो ठीक चल रही है, पानी वाली समस्या वो भी हर गांव में नल लग चुके हैं, हर दरवाजे पर नल लगा हुआ है, बिजली पानी और रोड ये तीन जो है मेन है विकास की जड़, मतलब ये तीनों चीजें ही नहीं मिली थी अब तक जी। क्या नाम है आपका? केदारनाथ। किसको जिता रहे हैं? स्मृति ईरानी। केएल शर्मा? केएल शर्मा कहाँ से आओ थी? कांग्रेस के हैं, हम तो जनता नहीं ना उनका, क्या बताइए, जनमे नहीं करते, और कहा में कहा जनी अनपढ़ गाँव आर में नहीं कहता हाथ आ जाएगा, हम कहा जनी उनका। तो स्मृति ईरानी को कैसे जानते? स्मृति ईरानी यहाँ आती है जाती है, आज भी आ रही है, और उनका हम काज नहीं, कब आए कब नहीं आए। अच्छा ये बताइए, राहुल गांधी आते जाते थे कि नहीं? 15 साल से सांसद बनाया था आपने। राहुल गांधी कहाँ आवाज जाते हैं, ततारपुर में कोठी बनाए हैं, मतलब में पेंटेड डेंटे नहीं, कहाँ यहीं दिए हुए ततारपुर सरेसर के पास डेंटे पेंटे नहीं, तो कहाँ यहीं गई हैं, गेस्ट हाउस में रहते हैं। अब हम काज नहीं, कौन गेस्ट हाउस में रहा थी कि रेस्ट हाउस में रहा थी कि गेस्ट हाउस में रहा थी, हमको नहीं मालूम। अच्छा ये बताइए, विकास हुआ है कि नहीं स्मृति ईरानी के राज में? विकास है, विकास तो आया, सब विकास है, तो हो रहा है, और क्या, सड़क वड़क बढ़िया बनी, देखो बढ़िया। हाँ चले जाओ पेटे का पानी नहा ले, अमेठी का कौन जीत रहा है? अमेठी स्मृति ईरानी जीतेंगे, केएल शर्मा। केएल शर्मा नहीं जीतेंगे, उनको यहाँ कोई जानता ही नहीं, जानता ही नहीं है, 40 सालों से वो यहाँ पे रहे। नहीं, 40 साल से रहे होंगे, कहीं और रहे होंगे, लेकिन हमने तो नहीं सुना अभी। अगर हम विकास की बात करें तो विकास हुआ है कि नहीं 5 सालों में? विकास हुआ है, आप यही रोड देख लीजिए, ये एक समय गड्ढा होता था यहाँ पे, यही रोड आप देख लीजिए, अयोध्या जाने के लिए पहले 2-3 घंटे लग जाते थे, तो रोडें बनी हैं और भी विकास हुआ है, विकास तो मोदी सरकार में बहुत हुआ है। 15 सालों तक आप लोगों ने राहुल गांधी को सांसद बना रखा था, उन्होंने विकास किया कि नहीं? 15 सालों तक तो उन्होंने शायद यहाँ देखने का भी मुनासिब नहीं समझा, एक भी बार भी नहीं आए, और ना हमने उनको देखा है। स्मृति ईरानी को तो हमने कई बार देखा, और वो यहाँ आती भी हैं, लगाव भी रखती हैं, उनका आना जाना लगा रहता है, और उन्होंने विकास भी किया है, यही विगत 5 सालों में ही उन्होंने, और हारने के बाद भी आई थी यहाँ पे।
लेकिन राहुल गांधी 2019 में हारे, रायबरेली चले गए, अब कहा ये जा रहा है पीएम की ओर से कि वो डर करके भाग गए। नहीं, डर कर ही भागे, जैसे पिछली बार ही था वायनाड गए, अमेठी हार गए, अब की हार कर अब की इन्होंने लग रहा था कि अमेठी हारेंगे तो रायबरेली चले गए और ये रायबरेली में भी हारेंगे लग तो ये। लेकिन उनकी बहन तो इतने जोर शोर से प्रचार कर रही है। अरे बहन है तो प्रचार करेंगे, उसमें कोई वो नहीं है, कुछ असर नहीं होने वाला, कुछ असर नहीं होने वाला। क्या नाम है आपका? शारदा प्रसाद। किसको जिता रहे हैं? मोदी का। मोदी का अमेठी से तो स्मृति ईरानी है ना ही, स्मृति ईरानी के सरकार में जाए 6,000 रुपया साल में पाई थे। अच्छा, 6,000 रुपया मिल रहा है? राशन राशन मिलत है, राशन मिलत है और सब साधन भी है, और उनकी राज में तो कौनों परेशानी, दो परेशानी में देख के जवाब नहीं। हम अपनी बिटिया के ब्याह की ना 700 रुपया बर्बाद, कहीं 20,000 रुपया मिली, एक रुपया नहीं मिला, और कागज नहीं, कागज दिखा दे सब धर, ये डॉक्टर मुस्लिम, डॉक्टर मुस्लिम अत्ता कागज मनवावा, एक रुपया नहीं पावा, एक रुपया नहीं पावा, तो काम आनी जान ले कि जान ले को बनवा दे हैं राहुल गांधी। लेकिन राहुल गांधी तो कहते हैं वो गरीबों की मदद करते हैं। गरीबों की मदद कर, हमें बिटिया के ब्याह में एक पैसा दे ही नहीं, अत्ता कागज मनवा डावा, एक पैसा बड़े कहे दे हैं, धमका दिया है, गरीबों को नहीं देते। कहाँ गरीबों की दीन है? गरीबों की देती तो आज आज दूध का माथी बराए जाती, अगर अपने छे के देखती तो दूध का माथी न बरा देती, जीतती और जीतत रह का बनवाई। क्या नाम है? आयुष सिंह। ये बताइए किसको जिता रहे हैं मीठी? स्मृति ईरानी को। राहुल गांधी क्यों नहीं? कोई सब तो चोर है। यहाँ से तो केएल शर्मा है। हाँ, कोई जानता नहीं केएल शर्मा को, पता नहीं कहाँ से हैं। जानते भी नहीं आप, वो 40 सालों से यहाँ पे बोलते हैं, रहते हैं यहाँ पे, कोई केएल शर्मा को जानता ही नहीं, इसमें तेरा नहीं करा हुआ, पता नहीं कहाँ के हैं, न कोई नहीं जानता। लेकिन कांग्रेस पार्टी तो युवाओं की बात कर रही है, बेरोजगारी की बात कर रही है। वो अपने लिए कर रही है ना, हमारे लिए थोड़ा कर रही है। अपने लिए मतलब? उनको अमेठी में दिखते ही नहीं वो, जब देखो वाइट नाइट भाग रहे हैं, वाइट नाइट शराब रैली भाग रहे हैं, हमारा पशु की तरह, हमारा पशु यहाँ पर दिखते ही नहीं राहुल गांधी। अच्छा ये बताइए, अगर हम विकास की बात करें, खासकर अमेठी की, तो किसके कार्यकाल में ज्यादा अच्छा हुआ, स्मृति ईरानी या राहुल गांधी? स्मृति ईरानी के, राहुल गांधी को कुछ नहीं हुआ, खाली आते जाते थे, आते जाते टाटा बाबा घर घर चले जाते थे। वो तो कहते हैं मैं युवाओं के साथ रहता हूँ, उनकी बातें सुनता हूँ, समझता हूँ, मोदी जी खाली अंबानी अडानी की बातें सुनते समझते। 5 साल में एक भी बार तो नहीं दिख पा रहे यहाँ पर, चुनाव के समय आते बस सिर्फ, उसके बाद नहीं दिखते यहाँ पर, आकर चले जाते हैं, दोबारा नहीं दिख पड़ते यहाँ पर। जबकि तो उनका अमेठी उनका घर माना जाता है ना, राहुल गांधी तो घर माना गया है उन लोगों, घर भी नहीं बनवाया, गेस्ट हाउस में रहते हैं, कोई गेस्ट आता गेस्ट की तरह आते हैं गेस्ट हाउस में, गेस्ट ही तो रुकते हैं, घर का आदमी उनका परिवार है तो गेस्ट में क्यों रुकते हैं, फिर घर में रुकना चाहिए उनको। क्या माहौल है अमेठी की, जनता किसे सांसद बना रही है? स्मृति ईरानी। केएल शर्मा? नहीं, कोई नहीं जानता यहाँ उन्हें। हाँ, कोई नहीं। कांग्रेस पार्टी तो कहती वो हमेशा से रहे हैं कांग्रेस पार्टी के साथ, उन्होंने चुनाव लड़वाया राजीव गांधी से लेकर के राहुल गांधी, तो वो पक्का जीतेंगे यहाँ से? नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं जानता उन्हें, यहाँ कभी आए ही नहीं। हाँ। अच्छा ये बताइए कि राहुल गांधी नौजवानों की बात करते हैं, रोजगारी की बात करते हैं, आप भी युवा हैं, तो आपको नहीं लगता कि उनका कहना सही है? नहीं, कोई सही नहीं, यहाँ कोई नहीं जानता उन्हें, रोजगार तो दिए नहीं, कभी आए ही नहीं, तो क्या देंगे, कुछ नहीं देंगे। हाँ, लेकिन वो तो परिवार कहते हैं अमेठी को, आप कह रहे हैं वो आते ही नहीं है। भाई कभी नहीं है इनका घर, मैं इतना बड़ा हो गया मैंने कभी नहीं देखा यहाँ, ना इनका घर द्वार कुछ नहीं, वो कहने के लिए हुआ है सब। हाँ हाँ। क्या नाम है आपका? राम नरेश। किसको जिता रहे हैं अमेठी से? भाजपा। स्मृति ईरानी। हाँ। आपको नहीं लगता कांग्रेस बढ़िया प्रत्याशी उतारी है? ना ना। नहीं। काम हुआ है स्मृति ईरानी के राज में? हाँ? काम हुआ है स्मृति ईरानी के राज में? अरे जो मिला है वो सामने है। हाँ, राशन मिल रहा है। हाँ, पैसा मिल रहा है, और क्या मिलना चाहिए। हाँ, प्रेम मिल रहा है। राहुल गांधी से नहीं मिल रहा था? अरे जो भाई भेटे नहीं भाई, तो कैसे बताए या झूठ बोले। क्या नाम है आपका? बुद्धिलाल। ये बताइए किसको जिता रहे हैं अमेठी से? स्मृति ईरानी के हैं हम लोग। केएल शर्मा? अरे ना, ये सब बेकार है। राहुल गांधी तो परिवार बताते हैं अमेठी को, ये परिवार जहाँ देते हैं यहाँ, मैं स्मृति ईरानी, हमें विधायक राजा साहब है सबसे, हमारे राजा साहब जहाँ रहेंगे वहाँ रहेंगे। विकास हुआ है कि नहीं? हाँ, विकास हुआ है।
विकास हुआ। 15 सालों में राहुल गांधी ने कुछ किया? यहाँ देखो सड़कें कैसे बढ़िया बनी है, यहाँ देखने लायक सड़कें बनी है, और हर आदमी को सब सम्मान मिल रहा है और हर चीज मिल रहा है, मतलब बिल्कुल फिट। क्या नाम है आपका? राम सजीव। किसको जिता रहे अमेठी से? स्मृति रानी को। केएल शर्मा? उनको मालूम ही नहीं। कांग्रेस वाले आप जानते भी नहीं है? कांग्रेस राहुल गांधी के जानते हैं। राहुल गांधी तो यहाँ से हारने के बाद चले ही गए। ठीक है, स्मृति रानी जीती है। स्मृति रानी। केएल शर्मा? हमको जानते नहीं। कहा केएल शर्मा कहाँ का? कांग्रेस वाले। अरे तो क्या, जब पहली बार आए तो हमको क्या, जो पहले तो लगा, और आज 10 साल से जो स्मृति रानी का हम उनको जिता रहे हैं। लेकिन वो तो 5 ही साल से सांसद रही हैं। रही, लेकिन पहले से जो उनके हम लोग जो उसमें जुड़े रहे भाजपा से, हम स्मृति रानी को जिताएंगे। अच्छा, उन्होंने विकास किया अमेठी में? हाँ, विकास किया। राहुल गांधी 15 साल तक सांसद रहे थे, कुछ काम किया उन्होंने बढ़िया? कोई काम नहीं किया जो उनके, हमारे यहाँ लोग जो नहीं उनके बारे में कुछ नहीं जानते। लेकिन वो तो अमेठी और अमेठी के लोगों को परिवार बताते हैं। जब चुनाव आता तब आते हैं, नहीं बाकी बस दिल्ली। अच्छा, चुनाव आता है तभी आते हैं? तभी आते हैं। हाँ, फिर भी परिवार बता रहे? बस हाँ। और ये बताइए, रायबरेली चले गए वो हारने के बाद, आपको नहीं लग रहा था यहाँ से उन्हें एक बार फिर से लड़ना चाहिए था? अरे वो लड़े का, अब यहाँ से बाहर हो चुकी तो जो उनकी हार के कारण हुई, जो उनकी शर्म के मारे वो चले गए रायबरेली। शर्म के मारे? ओका। अच्छा, लेकिन उनकी बहन तो प्रचार कर रही हैं। बहन प्रचार तो कर रही हैं, लेकिन अब वो तो पार्टी आए प्रचार करबे करिए, लेकिन अब उनके यहाँ से तो जीतना संभव है, स्मृति रानी जीतेगी यहाँ से। मतलब एकदम बस चुकी हैं स्मृति जी। ये बताइए, अमेठी से किसको जितवा रहे हैं, स्मृति रानी, केएल शर्मा? नहीं, केएल शर्मा को नहीं जिताएंगे, स्मृति रानी को। लेकिन कांग्रेस वाले तो कह रहे हैं केएल शर्मा 40 सालों से अमेठी में रहते हैं, एक एक लोग अमेठी के जानते उन्हें। हमारे यहाँ तो कोई नहीं जानता है। जानते ही नहीं। ये बताइए कि राहुल गांधी ने 15 सालों में अच्छा काम किया है या फिर स्मृति रानी ने 5 सालों में? 5 साल में। 5 साल जी। स्मृति रानी तो 5 साल में कहेंगे, 40 साल में नहीं कहेंगे। अच्छा, ये बताइए, जिस हिसाब से राहुल गांधी जो है 2019 में हारे थे, आपको नहीं लगता एक बार फिर से उन्हें यहाँ से चुनाव लड़ना चाहिए था? वो तो चाहता ही रहा, लेकिन अब नहीं हिम्मत पड़ी उनकी, नहीं लड़े। पीएम कह रहे हैं कि वो तो भाग गए डर के मारे। तो वही है भाई, भाग तो गए हुए हैं छोड़ के, उन्हें तो पुराना गढ़ है उनका, उनको लड़ना था। चुनौती देनी चाहिए। और कहा, आपको केएल शर्मा से उम्मीद नहीं है जिस हिसाब से प्रियंका गांधी प्रचार कर रही हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या नाम है आपका? जगन्नाथ श्रीवास्तव। कौन जीत रहा है अमेठी से? अब जिसकी सरकार वही जीत रही है। किसकी सरकार? मोदी की है, स्मृति जी। जी, तो फिर कांग्रेस प्रत्याशी केएल शर्मा? अब उनको तो मैं नहीं बता सकता जीतेंगे या हारेंगे। जी, उम्मीद नहीं है कि वो जीतेंगे? अब यहाँ जनता के बीच में कभी आए नहीं, तो हम उसको क्या कहेंगे, जीतेंगे हारेंगे। क्या नाम है आपका? गुड्डू सिंह। कहाँ से है? सैदापुर। ये बताइए, देश में माहौल क्या है, क्या लग रहा है, कौन जीतेगा? बीजेपी में है। अमेठी से? बीजेपी। स्मृति रानी जी। फिर कांग्रेस? कांग्रेस के पत्ते नहीं इनको। लेकिन कांग्रेस राहुल गांधी तो गरीबों की बात कर रही है, युवाओं की बात करती है, महंगाई की बात करती है, कोई बात सुनता ही नहीं, तो क्या मतलब बात करने से। वो कहते हैं कि मोदी जी खाली बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं, अंबानी अडानी, उनकी बात करते हैं, गरीबों का नहीं सुनते हैं। कौन मतलब नहीं, यहाँ कोई जानते नहीं। आप 15 साल से लापता हुए को? लापता है राहुल गांधी? लापता है। क्या नाम है आपका? निखेत। किसको जिता रहे हैं अमेठी से? अरे नहीं, के स्मृति रानी का। केएल शर्मा? नहीं। क्यों नहीं? अरे देखभाल जो करे वो क्या जिताओ जे। स्मृति रानी जी देखभाल कर रही हैं? हाँ, अब उन्हें देखभाल करें। बताइए, अमेठी में माहौल क्या है, कौन जीत रहा है? यहाँ तो स्मृति रानी जीत रही हैं। आपको नहीं लगता कांग्रेस प्रत्याशी केएल शर्मा टक्कर दे रहे हैं उन्हें? नहीं, उनको कोई जानता ही नहीं है, उनको यहाँ कोई नहीं जानता, ना नाम से ना चेहरे से। लेकिन कांग्रेस वाले तो कह रहे हैं 40 सालों से वो यहाँ पर हैं, एक एक जनता उन्हें जानती है अमेठी की। नहीं, जनता नहीं, जो कांग्रेस के ठेकेदार हैं वो जानते थे, बाकी जनता कोई नहीं जानती। जनता यहाँ की राजा साहब को जानती है, जो भी भाजपा से मंत्री हैं, और दीदी जी को जानती हैं जो 10 साल से काम कर रही हैं, और हम लोग भाजपा के साथ हैं और रहेंगे,
बस। अच्छा ये बताइए, अगर हम विकास की बात करें, अमेठी की डेवलपमेंट की बात करें, तो 5 सालों में ज्यादा विकास हुआ स्मृति ईरानी के कार्यकाल में या 15 सालों में राहुल गांधी के? नहीं, इस 5 साल में हुआ है। हमारे यहाँ रोड नहीं थी, सब रोड टूटी थी, रोड बने, सड़कें बनी, बिजली नहीं थी, बिजली की व्यवस्था बहुत अच्छी हो गई है, पानी की व्यवस्था अच्छी हो गई है, तो काम बहुत हुआ है 5 साल में। 15 साल नहीं, 70 साल में इतना काम नहीं हुआ था जितना 5 साल में हुआ। क्या नाम है आपका? राम मिलन जी। आइसक्रीम बेचते हैं? हाँ जी। ये बताइए किसको जिता रहे हैं फिर? स्मृति ईरानी को। स्मृति ईरानी काम किया उन्होंने बढ़िया? काम क्या किया, काम जो होता है अभी 5 साल में कुछ हुआ नहीं, अभी 5 साल पहले हुआ था जो हुआ था। हाँ, 5 साल के अंदर में। हाँ, राहुल गांधी तो कभी आते नहीं यहाँ पे, आते भी नहीं है ना, लेकिन वो तो अमेठी को परिवार बताते हैं। हाँ, तो परिवार को क्या करना, हमको जो है आज सकल दिखा दो जाए कम से कम। हाँ, तो उन्होंने जो प्रत्याशी उतारा है कह रहे हैं वो 40 साल से अमेठी में रहते हैं, एक एक जनता जानती है, जानते हैं, जो जानते हैं क्या पता हमको, बिल्कुल नहीं जानती ना।